हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। जैसे कि आप सभी को पता है, मैं गोवा के स्कैम रिलेटेड वीडियोस हमेशा अपलोड करते रहता हूँ, और आज भी इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गोवा के स्कैम रिलेटेड। तो जो आज का जो स्कैम है, ये है वाटर स्पोर्ट एक्टिविटी जो हम करते हैं गोवा में जाकर। बहुत से लोगों का जो एक एम होता है कि अगर गोवा जा रहे हो तो वाटर स्पोर्ट एक्टिविटी करना है, और बहुत सारे प्लानिंग्स वो बना कर जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसा उनके साथ होता है कि वो जो प्लानिंग बनाते हैं और जो एम लेकर जाते हैं वो पूरा नहीं हो पाता, क्योंकि उनके साथ स्कैम हो जाता है। ठीक है, अभी ये स्कैम क्या होता है, कैसे होता है और आप इनसे कैसे बच सकते हो, ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि वीडियो को पूरा देखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर कीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सो गाइस, जो वाटर स्पोर्ट एक्टिविटी का स्कैम है वो किस तरह से वर्क होता है मैं आपको बता देता हूँ। कि जैसे कि आप कोई वाटर स्पोर्ट एक्टिविटी एजेंसी होती है या उनका काउंटर होता है, वहाँ पर जाते हो, सारी चीज़ें आप बताते हो कि मुझे ये करना है, पैराग्लाइडिंग करना है, पैरासीलिंग करना है, ये बनाना राइड लेना है, या और कोई भी जो जो राइड्स होते हैं उनके पास में, वो सब चीज़ें आप इंक्वायरी करते हो और आप एक डील कर देते हो कि मुझे चार पाँच जो भी एक्टिविटी है वो करना है। ठीक है, तो आपको वो वहाँ पर सारी चीज़ें नहीं बताते, वो आपको आधी ही इन्फॉर्मेशन देते हैं। कि जैसे कि बताया, जैसे कि आप वहाँ पर जाते हो, आपका पैकेज, फॉर एग्जांपल आपका पैकेज डिसाइड हो गया 1200 रुपये में आपको चार एक्टिविटी वो बताएंगे, कोई भी पैरासीलिंग हो गया, पैराग्लाइडिंग हो गया, या बनाना राइड हो गया, या फिर और कोई दूसरी एक्टिविटी आप ले सकते हो उसमें। सो ये डिसाइड होने के बाद में क्या होता है कि जब वो आपको एक्चुअल वाटर स्पोर्ट एक्टिविटी में जब लेकर जाते, तो वहाँ जाने के बाद में, फॉर एग्जांपल अगर आप जेट स्की की राइड ले रहे हो और आप आधे बीच में जाकर वो आपके पीछे एक बंदा बैठा होता है, वो आपको वो राइड करता होता है, और अगर आप उसको बोलते हो कि मुझे राइड करना है, सो वहाँ पर वो आपको बताता है कि आपको 300 रुपीज़ या 400 रुपीज़ एक्स्ट्रा देना होंगे। ये चीज़ वो वहाँ पर काउंटर पर नहीं बताते हैं। ठीक है, वो बताते हैं कि हाँ, आपको वाटर स्पोर्ट एक्टिविटी में ये पार्ट्स मिलेंगे, वहाँ पर ये सारी चीज़ें नहीं बताते कि आपको अगर आपको खुद राइड करना है तो आपको चार्ज लगेगा। वैसे ही पैरासीलिंग में होता है, पैरासीलिंग में क्या करते हैं कि वहाँ पर वो टोटल नॉलेज आपको नहीं देते कि पैरासीलिंग कौन सा करेंगे, डीप करेंगे या नहीं करेंगे, या सिर्फ कितना मिनट तक करेंगे, या सिर्फ एक 30 सेकंड या 40 सेकंड का करके आपको वापस बुला लेंगे। सो ये सारी चीज़ें हैं। तो अगर आप इससे बचना चाहते हो तो आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, जो भी काउंटर से या जो भी कंपनी से या कोई भी ऑपरेटर से अगर आप वाटर स्पोर्ट एक्टिविटी का पैकेज ले रहे हो, सो वहाँ पर आप क्या कीजिए कि ये सारे डाउट्स जो है, आपके जो भी डाउट्स हैं वो सारे पहले ही क्लियर कर लीजिए कि कितना टाइम का मिलेगा या कितना लॉन्ग डिस्टेंस का मिलेगा, आप राइड कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, या फिर पैरासीलिंग या पैराग्लाइडिंग जो होता है वो कितने टाइम तक रहेगा, डीप पैरासीलाइडिंग जो रहेगा वो डीप रहेगा या नहीं रहेगा, और स्कूबा डाइविंग अगर ले रहे हो तो उसमें फोटोग्राफर इंक्लूड रहेगा या नहीं रहेगा, या फिर जो होता है कि अगर आप बोट टूर में जाते हो तो वहाँ पर आपको प्लास्टिक बैग आपके साथ में कैरी करना होता है, क्योंकि अगर आपकी कुछ चीज़ें जैसे मोबाइल हो गया, पैसा वगैरह जो हो गया, वहाँ से अगर आप बोट में जा रहे हो तो पानी आपके ऊपर आता है, सो अगर आपको पॉलीथीन का बैग भी उनसे लेना है तो वो एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं, अलग से चार्ज लेते हैं वो। ठीक है, तो अगर आपको जाना है तो एक साथ में पॉलीथीन भी लेकर जाइए, बैग लेकर जाइए, जिसमें आपके कीमती सामान जो है, मोबाइल हो गया, वॉलेट हो गया या पैसा हो गया, वो ख़राब ना हो। सो ये सारी चीज़ें आप वहाँ पर काउंटर पर ही क्लियर कर लीजिए, और इसके साथ सजेशन दूंगा आपको कि ज़्यादा सामान आप साथ में ना ले जाए, अगर आपका कार है या बाइक है तो सारा सामान उसमें ही रख दे, मोबाइल हो गया, वॉलेट हो गया, पैसा हो गया, लिमिटेड चीज़ें आप साथ में लेकर जाए अगर आप अंदर जा रहे हो, बोट में जा रहे हो, क्योंकि जो पानी होता है वेव अगर आती है तो वो आपके अंदर बोट में आ जाता है। ये अक्सर तब होता है जब हवा ज़्यादा चलती है, तभी वो पानी अंदर आता है। ये सारी चीज़ें, ये सारे स्कैम वहाँ पर होते हैं। तो अगर आप जो भी वाटर स्पोर्ट एक्टिविटी ले रहे हो, जो परचेस कर रहे हो, वहाँ पर जो पैकेज ले रहे हो, तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर क्लियर कर लीजिए। ठीक है, इसके साथ में और दूसरे भी बहुत सारे स्कैम गोवा में होते हैं, मैं रेगुलरली कंटिन्यू उसके वीडियो बनाते रहता हूँ, तो इसी के लिए आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले दिनों में भी जो भी नए नए स्कैम्स गोवा में आ रहे हैं वो उसका अपडेट मैं आपको देता रहूँ, और जो भी स्कैम अभी भी चलते हैं उसका भी मैं कंटिन्यूली जो है वीडियो अपलोड करते रहता हूँ। सो अगर आपको गोवा रिलेटेड और स्कैम रिलेटेड कुछ वीडियोस देखना है तो मेरे चैनल पर विजिट कीजिए, आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे, हर एक चीज़ में वहाँ पर स्कैम होता है और आप कैसे उससे बच सकते हो मैंने ऑलरेडी बता दिया है। या इसके अलावा अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए गोवा रिलेटेड,
तो मेरा इंस्टाग्राम का आईडी डिस्क्रिप्शन में दिया गया हुआ है, आप उस पर मुझे डीएम कीजिए, मैं 100% आपको आंसर करूँगा। उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो मुझे दीजिए इजाज़त, मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।